हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री बताने वाला हूं, रिसिप की एंट्री। तो चलिए एक बार हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे हमने कुछ एंट्रीज पहले से ही पास कर रखी हैं जिसमें हमने कुछ सेल किया हुआ है। आप देखेंगे 1/4/2021 को हमने गुड सेल किया मोहन कॉरपोरेशन को 12,000 का, और यही पैसा हमने 2/4/2021 को मोहन से रिसीव किया है 10,000 रुपीज़ चेक के माध्यम से। यानी हमें इससे 12,000 लेना था, उसने फिलहाल अभी हमें 10,000 रुपये की पेमेंट की है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हमने 1/5/2021 को दीपक इंडस्ट्रीज़ को 10,500 का गुड सेल किया जिसमें उसने हमें फुल पेमेंट कर दी HDFC बैंक के माध्यम से। वो पेमेंट हमें कब की है? 2/5/2021 को। इसी तरह से आप देखेंगे 1/6/2021 को आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हमने 3,500 रुपये का गुड सेल किया था उधार, और यहाँ पर उसने हमें 2/6/2021 को आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3,500 रुपये हमें पेमेंट कर दी है। तो ये एंट्री हमने पहले ही पास कर रखी है। ये एंट्री अगर आपको पास करनी ना आती हो तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, हमने सेल एंट्री बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर रखा है। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी टैली स्क्रीन पर, और सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूं। बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स शो हो रहा है 26,000 का, और इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो यहां पर अभी हमारा जो पैसा है वो सिंडी डेबिटर्स के पास है। इसको मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मुझे लेना है 3,500 रुपये, दीपक से मुझे लेना है 10,500 रुपये, और मोहन कॉरपोरेशन से मुझे लेना है 12,000 रुपये, जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया। और यही पैसा मैं रिसीव करने वाला हूं, और यहां पर जब वो पैसा रिसीव हो जाएगा तो यहां पर हमारा जो अमाउंट है वो या तो कैश में शो होगा और या तो फिर हमारे बैंक में शो होगा। तो ये एंट्री आप किस तरह से पास कर सकते हैं, हम यही आज करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं एक बार बैक होकर के अपने वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सेल वाउचर ओपन है और हमें रिसीप की एंट्री पास करनी है। तो हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6। जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे आपके सामने रिसीप वाउचर ओपन हो जाएगा। आप रिसीप वाउचर के अंदर दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं, एक सिंगल मोड पेमेंट कर सकते हैं और एक डबल मोड। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डबल एंट्री शो हो रहा है और एक सिंगल एंट्री शो हो रहा है। तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे सिंगल एंट्री को, कि आप सिंगल एंट्री किस तरह से पास कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 2/4/2021 को हमने मोहन कॉरपोरेशन से 10,000 रुपये चेक के माध्यम से रिसीव किया। तो हम चले जाते हैं अपनी टैली स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो भी हमारी वाउचर की डेट है हम वो फिल करेंगे। तो हमारी वाउचर की डेट थी 2/4/2021, 2021 को हमने रिसीव किया है। अब यहाँ पर किसके माध्यम से रिसीव किया है, तो हमने रिसीव किया है चेक के माध्यम से। तो हम वापस टैली स्क्रीन पर जाएंगे और यहाँ पर हम Alt+C प्रेस करेंगे। यहाँ पर लेजर बनाएंगे चेक का। चेक का लेजर बनाने के बाद आप इसे अंडर ऑफ डाल देंगे बैंक अकाउंट के, और यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट जो भी नंबर है आपका वो फिल कर सकते हैं, बाकी डिटेल फिल कर सकते हैं, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, ब्रांच कोड, ब्रांच डिविजन्स वगैरह, बाकी डिटेल आप फिल करके यहाँ पर इसे Ctrl+A करके भी आप सेव कर सकते हैं या एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे आपका करंट बैलेंस चेक के अंदर कुछ भी अमाउंट शो नहीं हो रहा। तो हमें लेना किससे है, तो हमें लेना है मोहन से। तो यहाँ पर स्पेस दबाइए, यहाँ पर आप देखेंगे मोहन कॉरपोरेशन आपका शो हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी सेल की एंट्री पास कर रखी है। जैसे हम मोहन को यहाँ पर लेंगे आप देखेंगे मोहन का जो करंट बैलेंस है यानी टोटल अमाउंट जो हमें उससे लेना है वो 12,000 रुपये हमारा शो हो गया। तो अभी फिलहाल जो हमें वो अमाउंट दे रहा है वो फिलहाल 10,000 का अमाउंट दे रहा है। आप यहाँ पर अमाउंट टाइप कर लेंगे, हम टाइप कर लेते हैं 10,000। तो 10,000 अमाउंट हमें उसने दिया है। जैसे हम इसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने चार ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको न्यू रेफरेंस में डाल देता हूँ। न्यू रेफरेंस में डाल करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हम इसको एंटर करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आपका चेक नंबर क्या है, DD नंबर क्या है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट डाल देंगे कि जो भी आपकी डिजिस डेट में आपको पेमेंट रिसीव हो रही है वो डेट डालेंगे, और यहाँ पर अपने बैंक का नाम डालेंगे यानी जिस बैंक से पैसा आपको रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर आप जिस भी बैंक से पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो आप बैंक अकाउंट यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके लिए आपको स्पेस दबाना होगा। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे स्पेसिफाई बैंक नेम, और यहाँ पर अपने बैंक का नाम डाल देते हैं। जैसे मैंने डाल दिया HDFC कि मुझे HDFC बैंक से पैसा रिसीव हो रहा है। मैं यहाँ पर अपनी डायरेक्शन फिल कर सकता हूँ और इसके बाद इसको एंटर करके सेव कर दूंगा। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री। डबल एंट्री पास करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+H, और यहाँ पर आप लेंगे डबल एंट्री।
डबल एंट्री लेने के बाद अब आप देखेंगे यहां पर आपके सामने डेबिट एंड क्रेडिट का ऑप्शन आ गया। अगर आपके सामने टू और बाय का ऑप्शन आए तो यहां पर आप F12 दबा करके यहां पर आप इस वाले ऑप्शन को यस करा सकते हैं, यूज क्रेडिट एंड डेबिट वाले ऑप्शन को। इसको यस कराने के बाद आपके सामने डेबिट एंड क्रेडिट का ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी एंट्री अपनी पास करेंगे तो हम चले जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ पर आप देखेंगे 2/5/2021 को हमने दीपक इंडस्ट्रीज से 10,500 रुपये का अमाउंट HDFC बैंक के थ्रू रिसीव किया। तो चलिए हम लोग अपने चले जाते हैं टेली स्क्रीन पर और यहाँ से हम लोग सबसे पहले लेंगे दीपक का लेजर और दीपक से हमें जितना भी अमाउंट रिसीव करना है वो अमाउंट हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। जैसे हमने टाइप करना है 10,500, इतना अमाउंट हमें वो रिसीव हो रहा है। इसके बाद हम इसे एंटर करके सेव करेंगे। यहाँ पर हम इसे डेबिट कर देंगे किसको, हमें जिसके थ्रू अमाउंट रिसीव हो रहा है, यानी हमें रिसीव हो रहा है बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर आप ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर लेजर बनाएंगे HDFC बैंक का और इसको अंडर ऑफ डाल देंगे बैंक अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर आप जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे और इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे कंट्रोल ए करके। सेव करने के बाद आप एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं और जो भी आपका चेक नंबर या जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर डेट देनी होगी किस डेट में आपको पैसा रिसीव हो रहा है। तो हमें रिसीव हो रहा है 2/5/2021 को, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 2/5/21 को हमें ये पैसा रिसीव हो रहा है और इसके बाद हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पर F2 करके आप यहाँ पर डेट भी रखेंगे अपनी, 2/5/2021 को हमें ये पैसा रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर हम 2 मई की डेट भी रखेंगे और जिस डेट पे हमें हमारा अमाउंट रिसीव हुआ है हम वहाँ पर भी वही डेट देंगे। इसके बाद इसको हम एंटर करके सेव कर देंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा 2/6/2021 को कैश के माध्यम से आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3500 रुपये हमें पे किया, तो इसकी एंट्री किस तरह से पास होगी। इसके लिए आपको वापस अपने रिसीव वाउचर में जाना है और यहाँ पर F2 प्रेस करना है। यहाँ पर आप जो भी डेट थी आपकी रिसीविंग की वो डेट रखेंगे, जैसे हम रख देते हैं 2/6/2021 और इसके बाद हमें रिसीव किससे हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है आनंद से। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, तो 3500 रुपये रिसीव हो रहा है, हम वो डाल देते हैं। इसके बाद एंटर करके ऑन अकाउंट रखेंगे और यहाँ पर डेबिट करेंगे हम लोग किसको, कैश को डेबिट करेंगे और इसके बाद हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। अब अगर हम बैलेंस शीट अपनी चेक करते हैं तो आप देखेंगे अपने करंट एसेट्स की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास 26,000 शो हो रहा है। इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे सेंडरी डेबिटर के पास हमारे पास अभी 2,000 रुपये बाकी हैं, यानी 2,000 रुपये अभी हमें उससे लेना है। यानी किससे लेना है आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, मोहन को हमने 12,000 रुपये का गुड सेल किया था जबकि मोहन ने हमें 10,000 रुपये का अमाउंट दिया है, इसी वजह से यहाँ पर 2,000 रुपये हमारा बैलेंस शो हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हमारे पास 3500 रुपये आ गया क्योंकि हमारे पास हमने जो आनंद से पैसा लिया है वो डायरेक्टली कैश लिया है और बाकी का जो पैसा है हमारा वो आया है 20,500 रुपये, ये हमारा बैंक अकाउंट के थ्रू हमारे पास रिसीव है। यानी बैंक के अंदर हमारे पास पैसा आ गया, एक चेक के थ्रू आया है और दूसरा HDFC बैंक के थ्रू आया है, यानी 10,000 रुपये चेक के थ्रू आया है और 10,500 रुपये हमारा बैंक के थ्रू रिसीव हुआ है। इसके बाद आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अगर आप अपनी एंट्रीज देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ से आपको जाना होगा अकाउंट्स बुक्स के अंदर और यहाँ से आपको लेना होगा लेजर्स। लेजर्स लेने के बाद आप किसकी डिटेल देखना चाहते हैं उसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा। जैसे मैं बात करता हूँ आनंद की, तो आनंद पे जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कैश अमाउंट शो हो रहा है ओनली 3500 रुपये का और यहाँ पर अमाउंट जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो भी कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ उसकी एक एंट्री शो हो रही है जबकि हमने एक इसकी 2 एंट्री पास कर रखी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेट है वो 1 जून से लेकर 2 जून तक का ही शो हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे। यहाँ से हम जो डेट रखेंगे वो 1/4/2021 से लेके 31/3/2021 डालेंगे, सॉरी 2022 डालेंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमें चाहिए। तो इस पूरे साल के अंदर हमारी 2 ट्रांजेक्शन हुई है आनंद प्राइवेट लिमिटेड से। तो आप देखेंगे सेल हमने किया 3500 रुपये का, जो कि पैसा हमने रिसीव कर लिया 3500 रुपये। आप यहाँ देखेंगे 3500 रुपये हमारा अमाउंट रिसीव हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास उससे कुछ भी हमें लेना देना नहीं है। अब बैक जा करके हम एक बार देख लेते हैं मोहन कॉरपोरेशन को। तो मोहन कॉरपोरेशन की अगर हम एंट्री देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मोहन कॉरपोरेशन को हमने सेल किया था 12,000 रुपये का, जिसमें उसने हमें अभी पेमेंट की है 10,000 की, जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, यानी 2,000 रुपये अभी हमें उससे लेना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।